कितना पास है, मतलब वो मिस्टर ने 10 मिनट का टैग टैग मतलब पैसा वसूल लगाया। सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? हेलो गाइस। तो गाइस मैं हूं अर्जुन। मैं हूं नमन। तो आज तुम्हें बहुत बढ़िया जगह लेकर आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग इधर आ रखे हैं, बट हमने पूरा अपना ये देखा था कि ये जगह कैसी कैसी है, पूरी रिसर्च करके हम तुम्हें आज इस जगह पे लाए हैं। तो तुम्हें बताते हैं, पूरा अपना ओवरव्यू देते हैं इस जगह का अच्छे से, पहले हम खुद देखते हैं ये जगह कैसी है, फिर आप लोगों को बताते हैं। और सिनेमैटिक वीडियो कैसी लग रही है तुम्हें, जो मतलब एंड में आती है बढ़िया सी पूरी एडिटिंग के साथ, पूरा कमेंट करो बताओ। और हाँ, गिव अवे के लिए, चलो गिव अवे की बात में करेंगे, अभी पहले तुम्हें अंदर लेके जाते हैं, पूरा दिखाते हैं कहाँ आए हैं कहाँ नहीं। चले फिर, चल। तो गाइस ये पूरी खाने पीने की जगह है, यहाँ पे तुम कुछ भी मतलब स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, पानी वानी हर चीज़। और ये है वो जगह वेस्ट ऑफ वंडर। तो चलते हैं अगर अंदर, बताते हैं पूरा क्या सीन है यहाँ का। और ये टिकट काउंटर बता दी, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। और टिकट देखता होगा, टिकट कितने का, टिकट लेते हैं आज। क्या कर रहा है भाई? पहले पेट पूजा, बाद में काम पूजा। तू क्या कर रहा है अब तू क्या कर रहा है? नहीं अभी तू क्या कर रहा है बता। मैं डाइटिंग पे हूँ ना। ये गाइस ये है डाइटिंग पर। मैंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था तो मन ललचा रहा था। वैसे मैं बहुत सख्त लौट रहा हूँ बट यहाँ मैं पिघल गया। और गाइस ये आ गया हमारा गोलगप्पे चटोरा। क्या भाई, क्या भाई, कभी कचौड़ी कभी भेलपूड़ी और इसके आ गई पानी पूरी। और गाइस यहाँ पर ना कुछ भी मजा ले सकते हो खाने पीने का, यहाँ पर थोड़ा बहुत चल सकता है अपना गुजारा। आपको तो बॉडी बिल्डिंग करनी थी, आप खुद ही अब हमारे लक्ष्य कदम पे चल रहे हो। क्या हुआ? अरे बजा नहीं देंगे, बजाओगे तो लेना पड़ेगा, जिसकी तुम बजाओगे उसको तुम्हें खरीदना पड़ेगा। मेरे पास दो टिकट है, दिखाई टिकट नहीं। और गाइस अब आ गई हमारी टर्न, ये दिखाई अर्जुन टिकट, मैसेज आता है एक बार। ओ भैया ने मांगी टिकट हमसे, भैया ने हमारे 50 का कर दिया नुकसान और ये टिकट फाड़ दी भैया। और यहाँ पर भाई शराब पीना, गल लाना, स्मोकिंग करना और अपना तंबू गाड़ना, स्पेशली तो ये अपना तंबू गाड़ना और कूड़ा कचरा मचाना, जो भी है सब मना है इधर। फाइनेंस पे 2000 रुपये, तो बाकी ठीक है देख लो। तो गाइस अब हो चुकी है एकदम नाइट और सारी लाइटें जल चुकी है, तो देखो कितना मौसम लग रहा है। वाह, यहाँ थोड़ा ना शोर है तो शायद से तुम लोगों को ना सुनाई दे, बट इतना देख लो कि यहाँ पर कैसा लग रहा है अंधेरे में और नाइट में यहाँ पर कैसा व्यू आता है। पर मेरे साथ ना बढ़िया है, बहुत अच्छा आता है। सब्सक्राइब कर दो सारे। तो देखो ये पिरामिड है गाइस, और जब शाम को थे इधर जब लाइटें इसकी ऑन नहीं थी तो इसमें देखो कोई लाइट नहीं जल रही थी। देखो जैसी अंधेरा हुआ उसमें कितने अच्छे, देखो अंदर लाइट जलने लग गई। क्या बोलते हो सर, कैसा लग रहा है? भाई एक नंबर है मेरे हिसाब से ना, यहाँ पर दोपहर को मत आना, बहुत गर्मी होती है। और रात को याद, शाम को नाइट का व्यू एक नंबर, और गर्मी से ना राहत मिलेगी, रात को अपना सही है, ठंडी हवा चलती रहेगी। शाम के टाइम आ जाना, 6 बजे के बाद खुला रहता है, 11 बजे तक खुला रहता है ना। हाँ 11 बजे, 11 बजे के रात को ओपन है अपना, खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर तुम आ सकते हो इजिली बहुत ज़्यादा। और बढ़िया बढ़िया एक नंबर। तो गाइस ये देखो यार, मतलब पैसा वसूल जगह यार, मतलब तुम आओ और पैसा वसूल भी क्या यार, तुम इतना ठंडी ठंडी हवा चले थोड़ा और ऐसा ऐसा चीजें देखने को मिले तो मजा आ जाता है। जो नहीं जा सकते ना, इस जगह का नाम है लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा। लीनिंग टावर दैट मीन ये लीन है एक साइड को, हाँ तक थोड़ा टेढ़ा है ना, ये झुका पड़ा एक साइड को। तो गाइस तुम कह सकते हो यहाँ की सबसे प्यारी जगह जिसको लोग देखने आते हैं वो है ये। आओ पास दिखाता हूँ, आओ। तो ये है गाइस आईफिल टावर, मेरा पूरा मतलब वाह यार कितनी अच्छी लाइटिंग है। अरे बस 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 सर, पागल मत होना सर, यहाँ संभाल नहीं पाऊंगा गाइस, एक नंबर की मजा आ गया। ये देखो वो नाइट में भाई ये जगह एक नंबर है, तो नाइट में आना इधर, मतलब इवनिंग के टाइम 11 बजे तक खुली है जगह। ले भाई देख, और देखो गाइस इतनी पास में मतलब हर चीज की डिटेल दिखा रहे ना तुम, तो इतनी अच्छी है ना, मतलब वाह वो। सो गाइस जितने भी लोग बोलते हैं ना नाइस पिक डियर, ये भी नाइस पिक डियर। ये वैसे है डियर, जब ग्रास ग्रो आती है तो एक ग्रास डियर की शेप में हो जाती है, बाकी बहुत बढ़िया बना रखा है, तो हर जगह से लाइटिंग कर रखी है बढ़िया। और ये गार्ड भाई को डांटते हुए यहाँ से हटाते हुए, लोग मानते नहीं, नया नया बना इनको, यहाँ पे थोड़े रूल हैं, यहाँ पे मतलब थोड़ा मानना चाहिए।
और गाइस ये जो जिसने बनाया है ना, जिसकी सारी मेहनत है, और मिलवाते हैं उससे। ये भैया हैं, भैया आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन टाइम लगा कोई मतलब सारा बनाने में? एक घंटे बना दिया आपने ये? गाइस देखो यार बढ़िया लग रहा है ये। चलो और ये दोनों अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुझे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया एक दूसरे। और भैया आपको कैसा लगा बनाने के बाद? भैया आप लोग बताओगे क्या? हमें तो बढ़िया लगा, तभी इतनी भीड़ आ रखी है भैया। नहीं बहुत अच्छा लगा, हमारी मेहनत सफल है आप लोगों से, जब आप लोग बताएंगे। अरे नहीं भैया, आपकी बहुत मेहनत है, बहुत अच्छा बनाया आपने। ये इतने परेशान क्यों हो रहे हैं गार्ड भी? इतने क्यों मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं ये? इसमें चले आते हैं लोग, इसके ऊपर आके बैठ जाए तो करंट है, परेशान तो इसीलिए होता है बेचारा। सही बात है गाइस, तो देखो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बनाई है, तो इस चीज के लिए यार दिक्कत भी होती है। देखो ये करंट से बना, तुम इसके ऊपर बैठोगे तो क्या होगा? इसके पास कुछ नहीं, हमारे सारे बाल हो जाएंगे। तो बस ऐसा मत करा करो यार, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चला करो। तो गाइस ये देखो रात का व्यू ताजमहल का कितना बढ़िया लग रहा है, और देखो इसके साथ में है पेरिस, कितना पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट का। तय तय तय। तो चलो यार, भीड़ कितनी, भीड़ कितनी एक यार, मैं कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा रिवर्स बना रखा था छोटा सा। तो चलो चलते हैं आगे। कितना बढ़िया हर चीज़, लाइटिंग आ रही है उनके फेस पे, नीचे लाइट लगा रखी है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 रुपीज़ में अगर तुम्हें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है ना, वो भी इतने मतलब बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। सबसे बुरी बात भी है। क्यों? टाइम लिमिट नहीं है, उतना क्राउड बढ़ता रहेगा, लोग बाहर जाएंगे नहीं, घूमते ही रहेंगे। हाँ तो इतनी छोटी जगह भी नहीं है कि यहाँ पर इतने लोग ना आ पाए। अरे भाई लोग वैसे ही होते, तुझे क्या पता, आज के लोग यही कहते हैं दो बार घूमे। और ये आ गया हमारा दूसरा। ये नया कैमरा तोड़ेगा हमारा, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हमारा इतना महंगा कैमरा मुश्किल से लिया हमने, तोड़ देगा ये। किस्ते बनवाई है इसकी। तो गाइस यहाँ पर हर जगह डस्टबिन प्रोवाइडेड है, तो प्लीज यार कहीं कूड़ा वूडा मत फेंकना। बहुत अच्छी चीज है, और देखो इधर जितने मोदी जी का जो रूल है ना उसको फॉलो करना। यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, बढ़िया लग रहा है यार, देखो कितनी सही जगह लग रही है, यहाँ पर तुम रेस्ट कर सकते हो। चुका है ये जगह ख़त्म, और जगह बहुत औसम है, विजिट करने वाली है 100%। आओ कभी विजिट करो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ आना, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हो तुम इधर। अरे जिसके साथ आओ, अर्जुन ने तो सोच लिया किसके साथ आएगा भाई। अरे 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 अरे, अरे, अरे। मुझे बोला था कैमरा ऑफ था ना, ऑफ कैमरा मुझे बोल रहा था किसके साथ आऊंगा। चलो जो भी बात है, इसने किसके साथ आएगा तो बता दे, इसने अपनी बकवास कर ली पूरी। तो अब हम चलते हैं घर, और मतलब घर नहीं है, एटलीस्ट बाहर चलते हैं, उसके बाद बताते हैं पूरा। घर जाके तुमसे बात करते हैं। और सबसे और ये बड़ी देखो, बात गाइस, पूरा यहाँ का व्यू रात का कितना बढ़िया लग रहा है यार। दिल्ली पुलिस ऐसे, दिल्ली पुलिस का कोई दिखा नहीं हमें। ये इधर टॉयलेट था। चलो घर चलते हैं बाहर, बढ़िया लगा सर, बढ़िया लगा। और गाइस हमें ना इंस्टाग्राम पे दोनों को फॉलो करना ना, ये हमारी आईडी दिख रही होगी दोनों के नीचे, इधर मेरी इधर अर्जुन की। और सबसे बड़ी बात, हम जहाँ भी व्लॉग बनाने जाते हैं उधर पहले स्टोरी डाल देते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो पहले हमें फॉलो कर लो, ऐसा भी कुछ जल्दी मिलने आएगा हमसे। वैसे सबसे बड़ा झूठ था हमने आज तक भी डाला, मैंने डाला है, मैं भी स्टोरी पे डालता हूं। चलो आपसे डाल देंगे, तो यार स्टे ट्यून रहो, तो चलते हैं, बाय बाय बाय। चलो बाय बाय बोल दे। ओ भैंस की आग, यहाँ पर रात को हम बाहर निकले हैं यहाँ से गाइस, और भीड़ देखो।